गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही कमाल का फीचर जो YouTube ने रिसेंटली ऐड किया है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। अगर वो इस फीचर को यूज करेंगे तो इट वुड डेफिनेटली हेल्प टू बूस्ट देयर व्यूज। तो ये व्यूज बढ़ाने में और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बहुत काम आएगा। तो वो फीचर क्या है? वो फीचर है वीडियो चैप्टर्स। तो वीडियो चैप्टर्स बेसिकली क्या करते हैं कि आपके वीडियो को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। हर सेक्शन का अपना अलग प्रीव्यू होगा। दिखाने के लिए मैं आपको अपनी एक वीडियो दिखा देता हूं जहां पर मैंने ये वीडियो चैप्टर्स यूज किए हैं, डाले हैं। तो उसके लिए क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये प्रोग्रेस बार में अलग अलग सेक्शंस दिख रहे हैं। ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन, ये चौथा सेक्शन, और हर सेक्शन के ऊपर आपको एक टाइटल सा दिख रहा है। ये अलग सेक्शन जब शुरू हुआ तो इसका अलग टाइटल है। ये कंटेंट सेक्शन को कस्टमाइज करने के लिए बता रहा है, ये आउट सेक्शन को कस्टमाइज करने के लिए बता रहा है। तो ये एक फीचर है जो यूट्यूब ने बेसिकली सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए आपकी वीडियो को दिया है, अगर कंटेंट क्रिएटर्स इसको यूज करते हैं। तो इस फीचर को यूज करने के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपनी डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम स्टैम्प के साथ वो टाइटल लिख देना है। ये जैसे मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको दिख रही है, तो मैंने ये पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प्स डाले हैं। इस टाइम स्टैम्प पे ये चीज डिस्कस कर रहा हूं, इस टाइम स्टैम्प पे ये चीज डिस्कस कर रहा हूं, और इस पे फर्दर सो ऑन। एडिट करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे इस वीडियो की। आप मेरी डिस्क्रिप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर 0 टाइम स्टैम्प पे मैंने एक टाइटल दिया है, डेट पे एक टाइटल दिया है, ऐसे 247 पे एक टाइटल दिया है। तो बस आपको ये टाइटल्स के साथ टाइम स्टैम्प डालनी है। पर इसकी तीन रिक्वायरमेंट है कि कब आपके ये चैप्टर्स इनेबल होंगे वीडियो में। इसके लिए मैं यूट्यूब के हेल्प पेज पे जाता हूं जहां पर इन्होंने बता रखा है क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी ताकि ये आपकी वीडियो पे इनेबल रहे। तो उसके लिए ये अगर आप ये पढ़ेंगे तो इट शुड स्टार्ट विद 00 टाइम स्टैम्प, मतलब सबसे पहला टाइम स्टैम्प होगा वो 00 से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आपकी थ्रू आउट वीडियो में 3 टाइम स्टैम्प्स होने चाहिए, वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। मतलब कि आपके पास एटलीस्ट 3 टाइम स्टैम्प्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने मल्टीपल डाले हैं, करीब करीब 8-9 टाइम स्टैम्प्स डाले हैं यहाँ पर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि डेट के बाद मैं 1 मिनट वाले डाल दूंगा, नहीं, ऑर्डर होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। एटलीस्ट 3 टाइम स्टैम्प्स होने ही चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। और तीसरा रिक्वायरमेंट ये है कि एटलीस्ट 10 सेकंड का एक टाइम स्टैम्प होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 1.5 मिनट के बाद 1:35 पे ही दूसरे वाला डाल दिया, नहीं, तो आपको 10 सेकंड का है। तो ये तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी है डिस्क्रिप्शन में जब भी ये आप टाइम स्टैम्प्स डालेंगे, बस उसके बाद आपकी वीडियो पे ये चीज देखेगा। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है जो एक्चुअली बूस्ट करेगा आपके व्यूज को। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि एंगेजमेंट बढ़ेगी। सबसे पहली बात तो इससे एंगेजमेंट कैसे बनेगी, आई पर्सनली फील कि जो भी वीडियो कोई 10 मिनट से ऊपर की वीडियो होती थी तो एज अ व्यूअर मुझे लगता था कि मुझे पर्टिकुलर सेक्शन पे जाना है उस वीडियो के, तो किसी ना किसी तरीके से आई जस्ट लुक इनटू द कमेंट सेक्शन कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया पे क्लिक करने पे शायद वहां पर ले जाए। अगर ये हमें वीडियो में ही दिखने लगेगा कि पर्टिकुलर सेक्शंस में डिवाइडेड हैं तो डेफिनेटली यूजर्स के लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जैसे मैंने इस वीडियो में बताया कि कस्टमाइजेशन समझाई थी मैंने, तो मेरे को कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने चैनल आर्ट पहले से कस्टमाइज कर रखा होगा पर उनको ये नहीं पता था कि चैनल ट्रेलर कैसे कस्टमाइज करना है, तो वो डायरेक्टली उस सेक्शन पे जाएंगे, देखते हुए अच्छा यहाँ से चैनल ट्रेलर कस्टमाइजेशन शुरू होगा तो मेरे को डायरेक्टली इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जाना है, तो वहाँ यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ये एंगेजमेंट बनाएगा, डेफिनेटली यूजर्स के लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा, व्यूअर्स के लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो दैट डेफिनेटली वुड हेल्प क्रिएटर्स, राइट? तो ये कमाल फीचर आप भी जरूर यूज करें अपनी वीडियोस में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको मैं ऐसी टिप्स शेयर करता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।